शहजादे तो यहाँ पर नहीं है। लगता है शहजादे चले गए। अच्छा, तो शहजादे को यहाँ से बाहर निकालने के लिए चाल चली थी शगुफ्ता बेगम ने। मगर तू कहीं भी चले जा शहजादे, मुझे पता चल ही जाएगा। खुशकिस्मत है आप कि आपका बना खाना खाने के लिए शहजादे थोड़े और देर रुक गए थे, वरना हैवान से आवाम को बचाने के लिए वो रात होते से ही निकल जाते। कितनी भोली है मर्जीना, माँ बेटे दोनों पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। आप चलिए, हम आपको कमरे तक लेकर चलते हैं, बेहतर होगा। आप रात का खाना तैयार रखें। जी शहजादी। बहुत अच्छी चाल चली है मेरे साथ माँ बेटे ने, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अली की चालाकी को कोई मात नहीं दे सकता। शहजादे तू जहाँ कहीं भी गया है, आज तो तुझे मैं ढूंढ ही लूंगा। आज पता चल जाएगा शहजादे, तू आवाम की हिफाजत करने वाला है या फिर उन्हें मुसीबत में डालने वाला। शाम तो यहां पर आकर खत्म हो गए। शक सही था, यह हैवान और कोई नहीं बल्कि खुद शहजादा है। शमशीर के इस हैवान पे काबू पाना नामुमकिन है। न जाने किसने ये नीचे का दरवाजा खोल दिया, कोई आ तो नहीं गया अंदर। शगुप्ता बेगम को पता चल गया तो मुझे जान से ही मार देंगी। ए, कौन है यार? कौन है यहाँ इस वक्त? कौन आ गया? ए, कौन है यार? Thank you.
मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका। बहुत खतरनाक है, मैं मर्जीना को इसके आसपास भी नहीं रहने दे सकता। मुझे मर्जीना को बचाना होगा। अबरान, रात का खाना तैयार हुआ? हाँ जनाब, बावर्ची खाने में नहीं है, पहले ही दिन काम चोरी। मिलने दोस्त इस दुकान को, फिर बताते हैं हम उसे। अबरान, 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 हम आप ही को ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप? अबरान मियां, तीखा कम है मीठा ज्यादा, अभी तक रात का खाना क्यों नहीं तैयार हुआ है? हम आपसे बात कर रहे हैं। शहजादे, उस काम को अंजाम देना है जिसके लिए हम मर्जीना को यहां ले आए हैं। आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए हमें। आप होश में तो है अपने? क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? अभी उंगली कट जाती है आपकी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये गुस्ताखी करने की? हम सिपाहियों को बुलाकर आपके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। गुस्ताखी माफ शहजादी, पर महल में सब लोग बस उस हैवान की बात कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में भी बस वही हैवान हैवान चल रहा था। हम बहुत डर गए थे, तो जब आप सामने आई तो बस ऐसा लगा किसी अपने को देख लिया और आपको गले लगा बैठे। वो हैवान न जाने रोज कितने बेगुनाहों को जान से मार देता है, रोज रात को न जाने कितने अपने अपनों से बिछड़ते हैं। हम बस थोड़े से खौफ सदा हो गए थे, हमसे गुस्ताखी हो गए, हमें माफ कर दीजिए। आपका खौफ लाजमी है, जो हैवान है वो बहुत खूंखार है, लेकिन आप डरिए मत। आपका हाथ दीजिए हमें। तेरा मेरा नाता सदियों पुराना, तेरा मेरा नाता, तेरे आने की आहट दे सुकून और राह, तू मेरा हम सफर है हम नवा। तावीज से आपका डर चला जाएगा, ये हमें गुल ने दी थी, पर आपको देखकर लगता है कि आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये महल
उस हैवान के हमले से महफूज है। शहजादे हैं ना जो हमें उस हैवान से महफूज रखते हैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मर्जीना कि जिस शहजादे पर तुम्हें इतना एतबार है असल में वही हैवान है। वैसे शहजादी आपको ये नहीं लगता कि वो हैवान ही? शहजादी आपको शेह गुप्ता बेगम ने याद किया जी। अभी आते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया शहजादी। ये देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे मर्जीना कि तुम अभी भी मेरी कितनी फिक्र करती हो। अब बस जल्द से जल्द उस शहजादे का सच तुम्हारे सामने लेकर आना है मुझे कि वो कोई शहजादा नहीं बल्कि एक हैवान है। अब इस सच के सामने आने के बाद ही मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जा पाऊंगा। बच्चा तो यहाँ आ गए लेकिन अलीफी से अली और छोटे कोतवाल का सच जानने में और कितनी देर लगेगी? तुम फिक्र मत करो, ये काम भी जल्दी हो जाएगा। एक बच्चे को तो मैं पहले ही बकरी बना चुकी हूँ, अब बचे हुए बाकी बच्चों को भी बहुत जल्दी बकरी बना दूंगी। और जब ये सारे बच्चे बकरी बन जाएंगे तब अलीफी खुद ही बकरी की तरह मैं करती हुई अली और छोटे कोतवाल का सच चुगल देगी। मुझे अलीफी ने बहुत समझाया था लेकिन खाने के लालच में मैंने उसकी बात नहीं मानी और बकरी बन गया। मुझे अलीफी को जादूगरनी की सच्चाई बतानी होगी कि ये चाल चोरों से मिली हुई है। बकरी? बकरी अचानक से कमरे में कैसे आ गई? ये बकरी कहाँ से आ गई? पता नहीं दादी, अचानक से कमरे में आ गई। अरे अलीफी, ये बकरी यहाँ कैसे आई? अलीफी, दादी हमारी असली दादी नहीं है, ये चोर है, रुमाना है ये। लगता है इसे भूख लगी है। सही कह रही हो, इसे भूख ही लगी होगी। मैं इसे बाहर ले जाकर घास खिला देती हूँ। नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है? आप सो जाइए, मैं इसे घास खिला कर लाती हूँ। मैं भूख लगी है ना, हम घास खाएंगे। चलो उठो। अरे उठो अलीफी, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम क्या सुन रही हो? मैं बकरी नहीं हूँ और मैं घास नहीं खाऊंगा। बकरी बनकर भी दिमाग लगा रहा है ये बेवकूफ। इशारे से बताना चाहता है अपने साथियों को कि ये उनका पोया है। पोया? पोया कहाँ गया दादी? पोया, पोया को देखा आपने? पोया? बहुत खतरनाक जंगल है, रात भी बहुत हो रही है, वो कहीं भी जा सकता है। हमें पोया को ढूंढना होगा। जी अम्मी जान, आपने हमें याद किया। हाँ आइए, ये देखिए, ये कुछ खास तोहफे शहजादे ने खास आपके लिए ये सारी चीजें बनवाई हैं। ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं। हम इसे कैसे ले सकते हैं? मर्जीना, जब पहली बार शहजादे ने आपकी जान बचाई थी और पहली बार आपको महल लेकर आए थे
उसी वक्त हमने उनकी आंखों में देख लिया था, आपके लिए चाहत और परवाह। और फिर धीरे धीरे आपने आपके नेक दिल से हम सब के दिल में जगह बनाई। अब आप हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं। और अब हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए शहजादे के जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आप हमारे शहजादे के साथ निकाह कर लीजिए। बोलिए शहजादी, क्या आप हमारे शहजादे से निकाह करेंगी? ये तो उस हैवान के साथ मर्जीना का निकाह कराना चाहती है। मेरी बच्ची, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं चाहा और ना ही कुछ मांगा, पर आज हम पहली बार आपसे हमारे बेटे की चाहत मांग रहे हैं, उसकी खुशी मांग रहे हैं जो आप में है। कि आप हमारे शहजादे से निकाह करेंगी, कि आप हमारी ये मुराद पूरी करेंगी। बेगम साहिबा, आपके लिए गरम गरम कावा लेकर आए। शहजादी बता रही थी कि आपका गला थोड़ा खराब है, तो ये कावा पीते ही आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। मर्जीना बेटा कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अपना वक्त लो, इत्मीनान से सोचो, फिर जवाब दो। बेशक, वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है, और शहजादी आप तो शैतान है नहीं, इसलिए जो फैसला लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा। वैसे किस मुद्दे पर बात कर रहे थे आप लोग? मुलाजिम हो, मुलाजिम ही रहो। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, वो क्या है ना, मेरे अब्बू हर फैसला लेने से पहले मेरी सलाह ले लेते हैं, तो बस जुबान फिसल गई। अब इस जुबान को थोड़ी ना पता है कि आगे अब्बू नहीं अम्मी खड़ी हैं, वो भी शहजादे की। गुस्ताख, अगर तुम अब्दुल के बेटे नहीं होते तो इसी वक्त तुम्हारा सर कलम करके फेंकवा देते। चले जाइए यहाँ से, और हमारे कमरे में हमारी इजाजत के बिना दाखिल होने की गुस्ताखी भी मत करना, निकल जाइए यहाँ से। जी बेगम साहिबा। हमें माफ कर दीजिएगा। शहजादी, अगर आप भी मेरे साथ बावर्ची खाने चल के मुझे बता देती कि शहजादे के लिए सुबह खाने में क्या बनाना है तो बेहतर होता। पता चला मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो आप भी मुझ पर बेगम साहिबा की तरह बरस ना पड़े। जी अम्मी जान, क्या हम जाएं? जरूर। साहिबा,
बेशक आज तुमने हाँ ना बोला हो, लेकिन शहजादे के साथ तुम्हारा निकाह होगा और हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे।